नमस्कार, एससी न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना वायरस से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की मौत, एनएचआरसी ने सरकार से मांगा जवाब। कोटा से 1321 छात्रों को लेकर ट्रेन पहुंची समस्तीपुर, स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजा गया घर। जैसे मोहम्मद के 4 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। कोरोना की जंग में ब्रिक्स देश का न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा $1 अरब का लोन। आगरा के सेंट्रल जेल में 10 कैदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। नई दिल्ली के डीएम ऑफिस में तैनात 8 सिविल डिफेंस के लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, डीएम ऑफिस को किया गया सील। महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, उद्धव सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से मांगी CAPF की 20 कंपनियां। यूपी के आगरा में कोरोना के बढ़ते केसों के कारण जिले को 72 घंटों के लिए किया गया सील। पैरामिलिट्री फोर्स पर कोरोना का कहर, 800 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। नोएडा में डीएम ने दिए आदेश, मेंटेनेंस चार्ज नहीं बढ़ा सकते कोई भी बिल्डर। इंग्लैंड में दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर पूर्णिमा नायर को कोरोना से निधन। तेलंगाना के जाहिराबाद में बायोडीजल प्लांट के बॉयलर में धमाका, 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा और यूपी को जारी किए नोटिस, नोएडा और गुरुग्राम के वकीलों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री। ट्विटर ने कहा, सितंबर से पहले नहीं खुलेंगे ऑफिस, इसके बाद भी एम्प्लॉय चाहे तो घर से कर सकते हैं काम। दिल्ली में एयर इंडिया का केबिन क्रू मेंबर निकला कोरोना पॉजिटिव, होटल को कर दिया गया सील। आंतरिक रिपोर्ट में खुलासा, कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन और अमेरिका में हो सकता है सैन्य टकराव। ऑस्ट्रेलिया में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा अपने देश, 21 मई से रवाना होंगी फ्लाइटें। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद का बयान, अभी भी LOC की दूसरी तरफ कई आतंकी कैंप मौजूद, लगातार रखी जा रही है उन पर नजर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का आतंक, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1500 मरीज पाए गए और मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 40 लोगों की हुई मौत। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं होंगे किसी अधिकारियों के तबादले। चारों तरफ कोरोना का कहर और पड़ोसी देशों की युद्ध की आहार से लोगों को अब है मुक्तिदाता का इंतजार, जो इन सभी मुसीबतों से बचाएगा। और आज का ऐसे न्यूज का सवाल, देश में बढ़ती बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।